उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क के सामने आज एक भीड़ जमा हुई। वे लोग थे जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। ये हमारे पुलिस वालों के परिजन थे। क्या थी इनकी मांग? इनकी मांग थी कि जो वादा किया गया था कि 16 साल में इनकी वेतन जो है उनको बढ़ा दिया जाएगा और एक दूसरा ग्रेड दिया जाएगा 4600 का, उसको पूरा किया जाए, उसे निभाए सरकार। आपको बता दूं कि 16 साल में किया गया था, मगर बात करके हरीश रावत जी की सरकार ने कहा था कि इस वक्त स्थिति ठीक नहीं है तो हम 20 साल में देंगे। लेकिन बातचीत कर पुलिस वाले कौन होते हैं जो दिन रात हम सब की सेवा करते हैं, तो क्या उनको अधिकार नहीं है कि सरकार उनसे बात करे? मगर कमाल देखिए, इस सरकार का अहंकार में डूबी ये सरकार है और जनता त्राही माम है। सड़कों पे पुलिस वालों के परिजन कैसा संदेश दे रहे हैं पूरी दुनिया अगर देखेगी तो क्या कहेगी हमें? पुलिस वाले वो होते हैं जो छुट्टियां नहीं लेते। जिस वक्त कोई त्योहार होता है और स्थिति और संवेदनशील हो जाती है तो पुलिस वाले डट कर खड़े होते हैं, लोगों की सेवा कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो क्या उनके परिवारों को अधिकार नहीं कि उनके जो पुलिस में परिजन हैं वो उनके साथ रहे, उनके साथ त्योहार मनाए? नहीं मना पाते, फिर भी वो हमारी सेवा करते रहते हैं और हम इस बात को पहचान नहीं पाते। क्यों कह रही हूँ? इसलिए क्योंकि जो वादा किया गया था हमारे पुलिस वालों से उसे नहीं निभाया गया। 16 साल में उनसे समय मांगा गया और उसके बाद आप जानते हैं कि ये वाली सरकार जो आई है ये तो कुछ सुनने के लायक है नहीं, क्योंकि ये तो अहंकार में डूबी सरकार है। आज स्थिति ऐसी आई कि पुलिस वालों के परिजन केवल इस मांग को लेकर कि 20 साल में जो ग्रेड उनका बढ़ना था जो पुलिस में थे उनको वो आप ग्रेड देने को तैयार नहीं। आपने साफ साफ कह दिया नहीं दे सकते। ये कौन सा तरीका है? आपको चुना गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस बात को समझ लो। आपको चुना क्यों गया है? इसलिए ताकि लोगों की सेवा करो। कोई मुश्किल आती है तो बातचीत से, वार्ता से समाधान ढूंढो। मानती हूँ 4600 एकदम बढ़ा देना 2800 से हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन बातचीत का रास्ता तो आपने चुना ही नहीं। आपने तो अहंकार में कह दिया हम नहीं करेंगे। आप होते कौन है कहने वाले? आपका काम है कि जनता को साथ लेकर चले और जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, उनको तो सुने, उनके परिजनों को तो सुने। आज हद कर दिया आपने कि पूरे दुनिया में हम ये संदेश भेज रहे हैं कि हमारी सरकार के सामने हमारे पुलिस वालों के परिजन खड़े हैं और उनके चारों तरफ हमारे पुलिस वाले। क्या चाहते हैं आप? बगावत हो? क्या चाहते हैं आप कि पुलिस वाले अपना कार्य ठीक प्रकार से ना करें? रोडवेज सर्विस हो, नर्सिंग का हो, या कोई भी कंपनी हो, कोई भी उद्योग हो, आपके यूनियन होते हैं। अगर यूनियन कहीं नहीं होती है ना तो वो पुलिस वालों क्या नहीं होती? आप उन्हें जो ऑर्डर देते हैं वो उसे पूरा करते हैं। तो क्या उनका अधिकार नहीं है कि उन्हें ठीक से वेतन मिल सके? क्या उनको अधिकार नहीं है कि वो आपसे बात रख सके? अगर कोई समस्या है उसका समाधान तो तभी निकलेगा जब आप उनसे बात करेंगे। मगर आपने क्या कर डाला है वो हम देख रहे हैं। हर ओर जनता त्राही माम कर रही है। इस सरकार को निश्चित तौर पे जाना होगा, क्योंकि ये अहंकार में डूबी सरकार है। वार्ता समझती नहीं, बातचीत का रास्ता अख्तियार करती नहीं और समाधान ये दे सकती नहीं। ग्रेड पे को लेकर पुलिस कर्मियों के परिजनों का आज राजधानी देहरादून के गांधी पार्क पर प्रदर्शन चल रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये पुलिस कर्मियों के परिजन हैं जो गांधी पार्क में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रेड पे को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ पुलिस कर्मियों के परिजन हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी मांगे हैं। हमारा नाम 4600। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे यही है 4600। 4600 पे ग्रेड चाहिए हम लोगों को, और हमें कृपया करके कोई भी हमें मजिस्ट्रेट का नहीं चाहिए। मजिस्ट्रेट महोदय हमारे विभाग में नहीं है। हम अपने विभाग के श्रीमान
डीजीपी महोदय जी से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वो हमें आश्वासन दे यहाँ आके, तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो आज रात भी हमें यहाँ हो जाए हम रहेंगे। हमारे बच्चे भूखे रहे, हम उनको बंद करके आ रखे हैं, फिर भी कोई भी चलेगा, पर हमें हमारे यहाँ पे महोदय जी चाहिए, वो हमें आश्वासन दे, तभी हम जाएंगे यहाँ से। अगर मैं जल्द आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, आगे का क्या स्टेप आपका रहेगा फिर आगे? अभी तो हम सिर्फ अपने यहाँ हाथ जोड़कर अनुरोध करने आए थे, आगे अगर नहीं होता है तो 27 तारीख को देखेगा क्या होगा। निर्देश आज जारी करो, आज ही जारी करो, हमें से आश्वासन हो जाएगा, हम 27 तारीख तक नहीं रुक सकते, 23 तारीख तो होना था, तो ये आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? और ये हक है, ये कोई नाजायज मांग नहीं है कि मतलब अलग से हमारा हो रहा है, ये 97-98 तक मिलता था, 16 में मिलना था, 16 के बाद इन्होंने 20 कर दिया, तो अब ये क्यों मुकर रहे हैं? करो जारी, हमारे बच्चे हैं, जरूरत है, आजकल महंगाई है। और भी परिजन हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जल्द मांगे पूरी नहीं होती है, आगे क्या स्टेप आप लोगों का रहने वाला है? अगर हमारी मांगे, आज हमने एक एक बैठक की, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम और बड़ा आंदोलन करेंगे, और बड़ा सरकार को दिखाएंगे हम कुछ कर सकते हैं। एक अन्याय पुलिस वाले के साथ क्यों होता है, एक सिपाही के साथ क्यों होता है? सिपाही ने एक कोरोना काल में कितना योगदान दिया है, अपने परिवार को टाइम न देकर अपने विभाग को टाइम दिया, 3-3 महीने वो बाहर रहा है, सिपाही के पुलिस के नजर बेबाक क्यों होता है? हम सरकार से ये जानना चाहते हैं, हमें कुछ नाजायज मांगे, हमारी जायज मांगे, हमें 4600 ग्रेड चाहिए, हमें 4200 नहीं चाहिए। तो ये तमाम पुलिस कर्मियों के परिजन है, हमारी मांगे हैं, बहुत सिंपल मांग है। आप दुनिया देखिए आगे की तरफ जा रही है, शहादत देखिए, तो इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा शहादत हमारे पुलिस कर्मियों ने दी है। जब अपने मर रहे थे कोरोना की वजह से घरों में, लाशें अपने घर वाले तक उठाने को, हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, ऐसे में हमारे पुलिसकर्मी जान पर खेलकर 24 घंटे उनके पीछे उनकी सेवा में लगे रहे। कोरोना काल में सरकार की नीतियां लागू कराने में, चाहे उनके जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो लागू कराने में, हमारे पुलिसकर्मी हमेशा सड़क पर रहे, और बजाय उनका मनोबल बढ़ाने के आपने घटा दिया। 4600 का ग्रेड पे मिल रहा था, ऑलरेडी आपने 2800 कर दिया, ऐसा कभी होता है क्या? आपने अपने मुख्यमंत्रियों के लाखों करोड़ों के जो बिजली के बिल थे वो माफ़ कराने के लिए एक अध्यादेश लाते हैं आप विधानसभा में, और वो रातों रातों सारे आप माफ़ कर देते हैं। और जब पुलिस कर्मियों को, क्योंकि वो एक अनुशासित फोर्स है, वो हड़ताल नहीं कर सकते, वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो उनका शोषण करने के लिए आप मजबूर करते हैं कि आप इनका जितना शोषण कर सको उतना कर लो, ऐसा क्यों? ये मजबूरी आपको नहीं लगता है? माता जी बुजुर्ग 70 साल की माता जी हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने बारिश का टाइम है, किसी ने नाश्ता नहीं किया होगा, किसी ने दवाई नहीं खाई होगी, जितनी माताएं बहनें सड़कों पर उतरी हैं, ये सब अपने परिवारों को छोड़कर आई हैं। इनमें से 90% के हस्बैंड्स वो होंगे जो कहीं ना कहीं दूरस्थ इलाकों में पोस्टेड होंगे, आंधी गर्मी धूल बारिश तूफान भूस्खलन और तमाम आपदाएँ झेलते हुए वो हमारे प्रदेश के नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं, सरकार की नीतियों को धरातल पर लागू करा रहे हैं, और उनकी अपनी मांगों के लिए, उनके अधिकार के लिए, हम कोई राजनीतिक मांग नहीं मांग रहे, हमने अपने मंच पर कोई भी राजनीतिक दल को अलाउ नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि हम ये मांग जायज़ है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हम कुछ ऐसा अनाप शनाप नहीं मांग रहे जिससे सरकार को कोई असुविधा हो। बावजूद उसके कितना दुखद है, कितनी तकलीफ देह है कि ऐसे मौसम में भी हमारी माताओं बहनों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, पुलिस कर्मियों के परिवारों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, हम कोई भी ये इसमें कोई राजनीति नहीं है, हम सरकार को सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं कि आप चेत जाइए, आप संभल जाइए, समय रहते इन मांगों को पूरा करिए, नहीं तो आने वाले समय में इसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा, हम कोई क्रांति नहीं कर। तो ये थे उत्तराखंड पुलिस कर्मियों के परिजन हैं जो गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पहले की तरह ही जो पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे है वो 4600 किया जाए, और तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमको कुछ आश्वासन नहीं मिलता है। उनका ये भी कहना है कोविड काल के दौरान इतने पुलिस कर्मी शहीद हुए हैं, जब अपने परिवार वालों ने कोरोना मरीजों को हाथ नहीं लगाया तो उस दौरान पुलिस ने, चाहे दाह संस्कार हो या कोरोना मरीजों की मदद हो, सबसे पहले पुलिस कर्मी आगे आए, तो क्यों नहीं उनका ग्रेड पे 4600 किया जाए जो पहले था। मनोज चौहान, दैनिक उत्तराखंड, देहरादून। हमारा भी है परिवार, जायज है, हमारी सरकार से कोई नाजायज मांग नहीं है, और हम चाहते हैं कि ये ग्रेड पे जल्दी से सरकार लागू करे। हम 4600 नहीं लेंगे, हमारे 4600 नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ में कोई हमारे भाई नहीं है, उत्तराखंड बना है, 4600 नहीं है, 4600 ग्रेड पे ही लेके रहेंगे। एक सिपाही कैसे अपना परिवार चलाता है, ऑन ड्यूटी करता है, कोरोना काल में एक सिपाही ने कितना योगदान दिया है, अपने विभाग को कितना टाइम दिया है।
क्या कहते हैं? यही कहना चाहेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 4600 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों के आगे हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। ना हम द्रोह कर रहे हैं, ना हम कोई लड़ाई करना चाहते हैं, ना हम कोई आंदोलन करना चाहते हैं। सिर्फ हमें हमारा 4600 हक दे दीजिए। 4600 हमारी जायज मांग है और जब हमें 16 मिलना चाहिए था, 20 लोग हो गया और 20 होने के बाद भी अभी नहीं हो पा रहा है। हमें 46 से कम कुछ नहीं चाहिए। 4600 जो है, जो ये ग्रेड पे है, इसको जो है 16 साल में मिलना था, 16 साल में मिलना था, लेकिन जो है ये तो 16 साल में नहीं हुआ। तो जो उस समय मौजूदा सरकार थी, उन्होंने जो है 20 साल में इस वादा को पूरा करने के लिए कहा था कि 20 साल में जो है ग्रेड पे आपको दिया जाएगा, लेकिन अब 20 साल हो चुके हैं, जो है उन्होंने वादा अपना पूरा नहीं किया। सांत्वना दे रहे हैं अधिकारी जो है। वर्तमान में भी हमने मुख्यमंत्री को, भूतपूर्व मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था पुलिस परिवार के थ्रू, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, सांत्वना दिया गया, इससे आगे कुछ नहीं। हमें 4600 चाहिए तो 4600 चाहिए। सिपाही कभी त्योहारों में अपने घर में कभी भी नहीं, हर ही जाया रहता है। जब देखो ड्यूटी बच्चों के साथ,